यसु मसीह नासरी निजात दहिंदा के फजल और बरकत वाले नाम में आपकी सलामती हो। हमें पता चल रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है सिविल एविएशन से। मैं समझता हूँ कि मसीहों को ये बात अब याद रख लेनी चाहिए कि वो जिस अदारे में भी हैं, अदारे उनके साथ नहीं खड़े होते। हालांकि सिविल एविएशन को चाहिए था कि फौरी तौर पे FIR लॉन्च करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने दूसरे बंदे के साथ खड़े हो गए, लेकिन इस मसीह खातून के साथ खड़े नहीं हुए, जो कि मैं समझता हूं सरासर ज्यादती है। और रियासत, याद रखें, मां का दर्जा रखती है। अफसोस की बात है कि रियासत भी आगे कदम बढ़कर आगे नहीं आई, और ना उन्होंने ये किया कि जाके FIR खुद FIR दर्ज कराते। आपने उस मसीह खातून के ऊपर छोड़ दिया। आपको पता होना चाहिए कि 2020 में भी इतला आता है कि उस पर फायरिंग की गई, उस पर जानलेवा हमला हुआ। अगर उसने इतनी हिम्मत करके और फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम की, जबकि उसके कोलीग थे, उन्होंने कोलीग को नहीं फर्ज को ज्यादा तरजीह दी, और बजाय कि उसको अवार्ड मिलता, तो मैं समझता हूं अभी तक उसके साथ इंसाफ भी नहीं हुआ। उसके मिलना तो अवार्ड चाहिए था ताकि दूसरे अदारे के अंदर भी जो काम करने वाले मुलाजमन के हौसले बुलंद होते और वो भी फर्ज शनासी से काम करते, ना कि मसलहत के तहत काम करते। तो मैं यहां मसीही अवाम से अपील करूंगा कि खुदारा आपने देख लिया सारा सिनेरियो आपके सामने, किसी ने भी उस मसीह खातून के साथ खड़े होने की कोशिश नहीं की, बस सिर्फ नोटिस ले लिए गए या नाम या मुजम्मत ही बयान आ गया। तो मसीही अवाम का हक बनता है कि इस बल्दियाती इलेक्शन के अंदर मुकम्मल तौर पर बायकॉट करें। अगर आपने इलेक्शन के अंदर वोट भी कास्ट करना है तो आप बैलेट पेपर के ऊपर लिख कर आ जाए कि हम इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, ताकि इनको पता चले, अपनी कुव्वत अपनी ताकत का अंदाजा करें। खुदारा आप अगर हिम्मत करेंगे तो इन लोगों को पता होगा, जब आप इस बार इलेक्शन का बायकॉट करेंगे तो दूसरी बार जब आपके ऊपर कोई ज्यादती होगी तो ये सारे लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहां मफादात की जंग है। इनको वोट की जरूरत है, इनको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपके साथ इनको कोई लगाव नहीं है, आपके वोट की इनको जरूरत है। तो खुदारा इस दफा पूरी यकजहती का मुजाहरा करें, इत्तेहाद का मुजाहरा करें, ताकि आने वाले वक्तों में किसी और के साथ ऐसा वाकया ना हो। क्योंकि कहा गया है कि 295C तोहीन मजहब का कानून, अगर इसका कोई गलत इस्तेमाल करेगा तो वही दफात उस पर लगेगी। लेकिन हम पूछते हैं, जब रिमशा के ऊपर जब उस इमाम मस्जिद ने हामिद मीर के सामने इकरार किया कि मैंने ये कुरान शरीफ को खुद शहीद किया था और इल्जाम इसलिए लगाया था कि ये कृष्ण डर के यहां से भाग जाएंगे, तो मुझे बताया इमाम मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई हुई? किसी ने इमाम मस्जिद को जलाया? हम पे तो कोई बात भी नहीं होती तो हमें जला दिया जाता है, कोई बात नहीं होती। उन्होंने उसने तो इकरार किया है। और फिर दूसरी बात, इस्लामाबाद के अंदर डायरेक्टर ने वादे तौर पर धमकी दी तो उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर इस दफा भी ये ना की गई तो हम कह रहे हैं और दुनिया मान रही है कि तोहीन मजहब का जो कानून है जाति अनार की बिना पर किया जाता, और यह आपके पास वाजे सबूत है, इस्लामाबाद का वाकया और ये कराची का वाकया। हम तो हर मजहब का एहतराम करते हैं, हम तो यहां तक कहते हैं कि कोर्ट के अंदर कुरान शरीफ को भी जो है उसके ऊपर हाथ रखकर कसम ना दिलाई जाए, क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं और इससे कुरान मजीद की तोहीन होती है। बल्कि जो बंदा कसम खाए वो अपनी औलाद को लेकर औलाद के सर पे हाथ रख के कसम खाए, फिर हम देखते हैं कि कैसे वो कसम खाता है। तो खुदारा अगर आप इस कानून के अंदर कुछ तरमीम नहीं कर सकते, कानून के अंदर कुछ आप ऐसे गलत काम जो इल्जाम लगाते हैं उनको नहीं गिरफ्तार कर सकते, आप अकलियतों पर मुश्तमिल एक अलग स्टेट बना दें ताकि अकलियत के लोग वहां सारे रहें, और फिर आप देखिए आप लोग आकर वहां बसेरा करें और फिर देखिए आप लोगों को कैसा तहफुज मिलता है। आप अगर नहीं कर सकते तो मैं यही कहूंगा कि आप अकलियतों के लिए एक सुबह दे दें, ताकि अकलियत लोग अपने वहां जाके महफूज तरीके से रहें। क्योंकि ना आप हमारे खिलाफ कोई बनने वाले कानून को रोकते हैं, ना साजिश को रोकते हैं, ना किसी तरह से भी कोई ऐसी कोई बंदा हमारे साथ खड़ा नहीं होता। मसीह अदारे में जहां जहां काम कर रहे हैं लोग गैर महफूज हैं। तो खुदारा मैं मसीहों से अपील करूंगा कि खुदारा आप इत्तेहाद का मुजाहरा करें और इस बायकॉट में भरपूर तरीके से हिस्सा लें, और फिर आप देखिए आप जब तमाम लोग बायकॉट का ऐलान कर देंगे तो मैं कहता हूं ये मैं नहीं कि मेरी तरफ से हो, बल्कि ये तमाम मसीह अवाम की तरफ, मैं देखा आप सबसे रिक्वेस्ट करो, एक भाई आपका बेटा बनकर आपकी ख्वाहिश आपका इल्तिजा करता हूं कि हम आने वाले वक्तों में अपनी बहन बेटियों को अपने नौजवानों को बचा सकें। खुदा आप सबके साथ हूं।